शिमला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। शिमला पुलिस ने जिला के चौपाल के दुर्गम क्षेत्र धार चांदना में एक व्यक्ति के कब्जे से चरस पकड़ी है। शिमला पुलिस के अनुसार आरोपी मोहनलाल के घर में पुलिस ने सर्च की। इस दौरान 7 किलो 68 ग्राम चरस बरामद की गई है। इसके आरोप में मोहनलाल को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति चरस का अवैध व्यापार करता है। गुप्त सूचना के आधार पर कुपवी पुलिस ने टीम गठित की। ये टीम धार चांदना पहुंची और घर पर सर्च रेड की। इस दौरान मोहनलाल के घर के अंदर चरस पकड़ी गई। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नेरवा में गश्त के दौरान मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति गांव में नशीली दवाएं बेच रहा है। सूचना के आधार पर कुप्पी पुलिस ने टीम गठित की, जिसमें कांस्टेबल इंदर शर्मा, कांस्टेबल अजय कुमार और कांस्टेबल अर्जुन, स्पेशल सेल प्रभारी HC नरेंद्र धार चांदना पहुंचे और घर पर सर्च रेड की। इस दौरान मोहनलाल के घर के अंदर चरस पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान मोहनलाल पुत्र बंसीलाल गांव धार चांदना तहसील कुपवी जिला शिमला के पास से 7 किलो 68 ग्राम चरस बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। देखिए, हमारे पुलिस थाना कुपवी में पिछले कल शाम को एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति से 7.5 किलो चरस बरामद हुई है और ये काफ़ी समय से जो है हमारी स्पेशल टीम जो है वो कार्य कर रही है। जैसे आपको विदित है कि शिमला में हमने एक स्पेशल कैंपेन पिछले एक साल से चलाया है, ड्रग्स के अंगेंस्ट, हीरोइन, चिट्टा, किसी प्रकार का जो मादक द्रव्य है, मादक पदार्थ है, इन सभी के खिलाफ जो है हमने एक सतत प्रयास कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में जो है ये एक अच्छा बड़ा कैच हमको मिला है। इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम ड्रॉ करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये जो मादक पदार्थ है, जो ये हमने कैनबिस और ये जो चरस पकड़ी है, ये इसकी सप्लाई कहाँ जानी थी और इसको कौन सप्लाई करता है। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे इस विषय में, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। इस प्रकार से अभी तक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पिछले साल हमने लगभग 700 से ज़्यादा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी और बहुत सारे लोग अभी उनमें से जेलों में हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो शिमला जिला में जो सप्लाई है ड्रग्स की और जो अवेलेबिलिटी है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में जो है वो कमी आई है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो मेन सप्लायर्स थे वो अभी जेलों में हैं और इसी दिशा में हम लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, तो इसमें भी जो मादक पदार्थों को बेचने वाले हैं, अल्कोहल की सप्लाई करने वाले हैं या और किसी भी प्रकार की गतिविधि है जिससे कि इलेक्शन प्रक्रिया जो है वो किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो इस दिशा में भी हमारी जो इम्पैक्टफुल एक्शन लेने की पूरी तैयारी है और ये सब जो हम अभी देख रहे हैं आपकी पिछले कुछ समय में धरपकड़ हो रही है वो उसी दिशा का एक जो सुनियोजित हमारा प्लान है उसके अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ जो है हो रही हैं और उनके परिणाम भी बड़े अच्छे सामने आ रहे हैं।